आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द टिपिकल एम्ब्रियो सैक द न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड एज़ तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें न्यूक्लियस कैसे अरेंज्ड होते हैं तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम सैक का डायग्राम देखते हैं तो सैक में एक होता है चेलेजल एंड और चेलेजल एंड के ऑपोजिट प्रेजेंट होता है माइक्रो एंड चेलेजल एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री सेल्स विच आर नोन एज एंटीपोडल्स Now, micropylar end. It also has three cells. Two of them are known as synergids, and one is known as egg cell. Now, the center part of the embryo sac, it is known as central cell or central cell made two nucleus present hote hain. म वी कॉल पोलर न्यूक्लियाई तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक सो लेट्स काउंट दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियस सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एथ सो देयर आर टोटल एट न्यूक्लियाई नाउ देयर अरेंजमेंट इज Three are antipodals, two are polar nuclei, and two of them are synergids, and one is egg cell. So, these are the eight nuclei present in the embryo sac. तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन वन सेज द न्यूक्लियस अरेंजमेंट इज थ्री प्लस टू प्लस थ्री विच इज करेक्ट बिकॉज थ्री आर एंटीपोडल्स टू आर पोलर न्यूक्लियर एंड थ्री आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट एट माइक्रो पायलर एंड सेकेंड ऑप्शन इज थ्री प्लस थ्री प्लस टू विच इज रॉन्ग थर्ड ऑप्शन इज टू प्लस थ्री प्लस थ्री विच इज अगैन एंड करेक्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू प्लस फोर प्लस टू विच इज ऑल्सो रॉन्ग थैंक यू स्टूडेंट्स क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउट ने टाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर